हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं वो जो TCA मैंने किया था ना, उसके ऐसे निशानों में। एंड ये TCA करने के बाद का अगला दिन नहीं है, तीसरा दिन है, क्योंकि उसके अगले दिन का वीडियो मैंने नहीं बनाया। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे उल्टियाँ हो रही थी, शायद फूड पॉइजनिंग कुछ हो गया था मुझे, और सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो पूरा डे मैंने स्किप कर दिया। तो आज थर्ड डे है और मेरी रूममेट घर पर है, वो सफाई कर रही है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज हम लोग लेट, बहुत ही ज़्यादा लेट, लाइक अभी 4:01 हो रही है लेकिन हम 3 बजे तक उठे हैं, तो कोई बात नहीं, चलता है रेस्ट डे में ऐसा। सो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। सो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं गैस डलवा कर लेकर आई थी, एंड पता नहीं मुझे शायद पाइप ढंग से लगाना नहीं आया है या मुझे कुछ तो नहीं करना आया है, मेरा गैस ना लीक हो रहा है और वो अभी भी बहुत लीक हो रहा है। मतलब हम लोग जैसे नीचे से गैस खोलते हैं ना, तो नीचे से गैस निकलती रहती है और हम अभी ऐसे खतरों की खिलाड़ी बने हुए। भूख भी लग रही है बट खाना तो बनाना ही है, लेकिन मैं आज शाम को फिक्स करूँगी। गैस वाले भैया को ना रूम पे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊँगी, वो कुछ फिक्स करके देंगे। देखते हैं क्या दिक्कत होती है, पहले अभी हम खाना बना लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ माइक्रोनी, इधर माइक्रोनी उबल रही है, मतलब उबल चुकी है, और इधर बन रहा है टमाटर प्याज का मसाला। तो मैं अपनी फेवरेट चीज़ डाल देती हूँ। सो मेरा आज का रेस्ट है और मेरा कल का भी रेस्ट है। इसके बाद 7 तारीख से, लाइक आज है 5 तारीख, 6 को भी मेरा रेस्ट है, मतलब कल, और 7 तारीख से मेरे रेगुलर शूट्स होने वाले हैं। तो मैं आपको शूट्स के डेली व्लॉग्स दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे चैनल को शेयर कर लीजिए अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और सपोर्ट करना है क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ओके, तो आज कुछ इस तरीके की कंडीशन है हमारे घर में। काश भी अपना रूम सही कर रही है, काश डैशेस, और मैंने अपना रूम भी साफ कर दिया है। वैसे ये सबका रूम है, काश भी यहाँ भी आ सकती है, मैं भी काशी के रूम में। आप लोग देख सकते हो मेरे तेल सर पे ना बहुत तेल लगा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था कल, और मैंने वो लगाया अपने सर पे, क्या नवरत्न तेल, उससे सर दर्द ठीक होता है। तो अभी मैं पहले नाश्ता करूँगी फिर नहाऊँगी। नाश्ता क्या, खाना ही है, वो तो खाना खाऊँगी फिर नहाऊँगी, फिर मैं अपना गैस सही कराने लेके जाऊँगी। अभी बारिश हो रही है बाहर काफ़ी तेज़, तो या बारिश रुकने का वेट करेंगे एंड फिर गैस वाले भैया को बुलाएंगे, क्योंकि ये गैस की समस्या ना बहुत ही ज़्यादा हो गई है। अब ये गैस ठीक होना चाहिए वरना हम लोग डूम हो जाएंगे घर पे। सो या चलो बनाते हैं माइक्रोनी और मिलते हैं आपको बाद में। काशवी को दे देंगे। ले काशवी, वहाँ बहुत सारा बना हुआ है तो और निकाल के खा लेंगे, ठीक है। सो गाइस, नाश्ता हो चुका है एंड आप लोग देख सकते हो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ताने का मन कर रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, थोड़ा एक्टिव रहूँ आज, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मुझे मन कर रहा है बस मैं लेट जाऊँ, फ़ोन चलाऊँ और नेटफ्लिक्स देखूँ या फिर कोई मूवी देखूँ, कुछ तो देखूँ, बट बहुत ही ज़्यादा मुझे आज सुस्ती आ रही है। लेकिन मुझे नहीं सुस्ताना है क्योंकि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना है। तो मैं सबसे पहले अब पानी लगाती हूँ नहाने के लिए, नहा लेती हूँ, नहाने के बाद ही मेरी सुस्ती जाएगी, क्योंकि अभी वो तेल तेल इतना सुस्ती हो रही है ना मुझ पर। तो यार, सो गाइस मैं नहा चुकी हूँ गरम गरम पानी से। गाइस नहाने से पहले ना मैंने वो अपना गैस वाला जो इशू चल रहा था इतने टाइम से, वो सारा रिजॉल्व कर दिया। मैं गैस लेके गई तो उन्होंने कहा कि आपको इसका पाइप चेंज करना पड़ेगा, देन उन्होंने न्यू पाइप खरीदा, थोड़ा राशन खरीदा, एंड वी आर होम नाउ। और अभी मैं रेस्ट बोर्ड पर ही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। मतलब मुझे कल उल्टी सी हो रही थी, अभी उल्टी नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ना मेरा नाक थोड़ा बंद है और उस वजह से। मेरा प्लान है शाम को मोनिका को बुलाने का एंड हम लोग मोमोज खाने जाएंगे, ये मेरा प्लान है। तो शाम को अगर प्लान बनेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ मैं ये वाला व्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि आज मैं रेस्ट मोड पर एंड आगे से मैं ध्यान रखूँगी। जिस दिन मेरा रेस्ट करने का मूड होगा ना, उस दिन मैं स्टार्टिंग से ही व्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, ताकि समझ जा। ओके, अभी हम थोड़ा पढ़ जाते हैं, रेस्ट करते हैं। सो गाइस मैं रेस्ट कर रही थी अपने रेस्ट मूड में थी एंड आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम मीशो। तो देखते हैं इसकी क्या, मुझे सच्ची में खुद भी आती है कि मैं
तुमने क्या मंगाया था, क्या ऑर्डर किया था? बाल बात करते हैं, मुझे ऐसा याद है कि मैंने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं मंगाया है। ओके, इस पे है जंपसूट, ये मैंने जंपसूट मंगाया था, याद आ गया मुझे इसको देख के। या एंड ये है जंपसूट, ये ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब ये ना थोड़ा इस टाइप का है, देखो थोड़ा फम यार, ये बहुत छोटा लग रहा है मुझे, अच्छे ये बहुत ही अच्छा है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। या आई लाइक इट, ये है 367 रुपीज़ का, यू कैन सी इसका क्वालिटी ना बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ऐसे फंकी फंकी सा लुक था तो मैंने मंगाया था। या आई लाइक इट, मुझे इसका क्वालिटी तो अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको पहन के देखती हूँ कि कैसे लगता है, आपको देखना है, दिखा राइट। मैं कन्फ्यूज हूँ, आप लोग बताओ कैसे लग रहा है कॉमेंट्स में। थोड़ा इस तरीके के कपड़े में पहनती नहीं हूँ ना, तो ऐसे नेक ब्रॉड हो जाए, है ना थोड़ा। हेलो गाइस, शाम के 8 बज चुके हैं, शाम के क्या 8, रात के 8 बज चुके हैं, और मैं ना मोनिका का वेट कर रही थी कि मोनिका आएगी ऑफिस से एंड देन मैं उससे उसकी पार्टी मांगूंगी। मतलब पार्टी तो क्या ही मांगूंगी, मुझे सिर्फ एक प्लेट मोमोज खाने का मन था आज, और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं खुद के पैसों से जाकर खाऊं। एंड अगर मैं खुद के पैसों से भी खाती हूँ ना, तो मुझे एक इंसान तो चाहिए ही होता है अपने साथ मोमोज खाने के लिए, मतलब वो वाइब नहीं आती मोमोज खाने में। बट आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गर्ल, इसने अपना फ़ोन का रिचार्ज नहीं कराया है और इसको इनकमिंग भी बंद हो गई इसके फ़ोन में, कितनी गरीब हो गई अपनी मोनिका, मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था। तो या मोनिका के घर पे भी कॉल कर दिए कि क्या वो घर पहुंची, सब मना कर रहे हैं, कोई नहीं पहुंचा, मैं क्या करूँ, मुझे मोमोज खाने हैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मोमोज की। इस मोनिका तो आ नहीं रही है, संजोली भी आ रही है ना, नहीं है, थोड़ी सी और बनाना। ओके गाइस, तो संजोली भी आ रही है, तो इतना ठीक नहीं होगा हम तीनों के लिए, ठीक है ठीक है। तो आज हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान, आप सबकी चहेती संजोली, तो हम लोग खाना बनाएंगे, और हम दाल चावल ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि हम लोग आलसी हैं, हम लोग आटा वाटा ज़्यादा बनाते नहीं हैं, रोटी वोटी, तो हम लोग दाल बनाएंगे और मैं बनाती हूँ दाल, अच्छी बनाऊँगी इस बारी। हमेशा मैं ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाती हूँ। तो गाइस खाना बना दिया, और वो मेरी शर्ट पे ना वो दाल ऐसे उड़ गई थी, पता नहीं क्या हुआ दाल को, वो प्रेशर कुकर से बाहर आ गई थी, तो मैंने चेंज कर लिया है। एंड संजोली भी आ चुकी है, एंड काजू भी दूध लेके आ चुकी है, हम पहले बनाएंगे चाय, हम बनाएंगे चाय, दाल तो शायद हो गई। So guys, here I am with Monica Pawar, the birthday girl. मैं तो आज इसको छोड़ा नहीं, मैंने कहा नहीं तू आज मुझे मोमोज खिला कर रहेगी, हमने पता खाना भी बना लिया था, बट नहीं हम मोमोज खाएंगे। 100 रुपए का उधार मांगा है मैंने तुझसे, और ये मुझसे मोमोज खिलवाने के लिए कह रही है, उधार वापस ले लेगी दिन से टेक्नी। नहीं नहीं कोई नहीं, वो 100 रुपए तू रख लियो, बट तू मोमो खिला, मुझे आज बहुत क्रेविंग हो रही थी। मेरे ब्लॉग वाले पता है कि ब्लॉग वालों को पता है कि मैं सुबह से कितनी गालियां दे रही हूं तुझे, तू अपना रिचार्ज नहीं करा सकती फोनी भाई, पैसे नहीं है 99 रुपए भी नहीं, मैं रिचार्ज कराने के आजकल कभी मैं इतनी अमीर हुआ करती कि नताशा मुझसे पैसे मांगती, मैंने कहा तू रैंक ले ले, अब हम पैसे ही नहीं है। और आज इस पर इतनी गरीबी छा रही है, इसने अपनी स्कूटी भी चाबी खो दी, और आज मेरी स्कूटी लेकर जाएगी कल, वैसे मन तो नहीं हो रहा इसको अपनी स्कूटी देने का, बट छोड़ो यार क्या, इसको मैं नहीं दूंगी तो कौन देगा, है ना, मैं ही तो इसकी बेस्ट फ्रेंड जिसके लिए ये फ्रेंडशिप डे के वो भी डालती है स्टोरीज। मेरे ऑफिस में दो लड़के हैं, दोनों पे इतना भयंकर क्रश हो गया मुझे, मैं वो मेरे सामने आते ना मेरी हंसी मेरी स्माइलिंग रुकती है, मैं परेशान हो गई यार, लेकिन ठीक है। और बच्चे कह रहे हैं कि हम तेरी बात, तू सुन रही मेरी बात, ब्लॉग ब्लॉग मत बना, डालने मत आप बोल दे, और अगर वो मेरा ब्लॉग देख लेंगे तो पता चल जाएगा। नो नो नो, क्रश मतलब होता है मोनिका के कॉलेज वालों, अगर मोनिका कॉलेज सॉरी ऑफिस वालों, अगर मोनिका आपके आपके सामने हंसती भी पाई गई तो समझ जाना आप उसके क्रश हो। बोलिए दांत तो दिन भर फटती रहती है, हंसती का भाई बोलिए स्माइल करेगी तो। ऐसे मेरे साथ भी होता है, पता है मैं भी कॉलेज में थी ना, मुझे एक रिहान मलिक लड़का नाम था, मुझे बहुत गंदा क्रश था, मैं उसको देख के इतना ब्लश करती थी, हंसती रहती थी, मेरे ना मुझे मुंह ऐसे पकड़ना पड़ रहा था कोई तो, और समझ आ गया था इस लड़की को मुझ पे कुछ तो क्रश, भी एक लड़के को तो समझ में भी आ गया है, लेकिन लड़का साला इतना हराम, मैंने कहा यार मैंने लड़की फोटो ठीक है, अभी तो सिंगल है, हम लड़ देख ले यार, छेड़ तो सकते हैं लड़कों को, सिंगल है क्या, लड़कियां छेड़ूंगी मैं,
उसका घर जाने का मन नहीं कर रहा है, कह रही है मैं तेरे घर जाके खाना भी खाऊंगी पहले। हाँ तो मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, इसको भी मोमोज खाए इसने, बदतमीज। तू नहीं खाने वाली? तो ये है मेरा घर, खाऊंगी लेकिन लेट खाऊंगी ना। मैं चिप्स पे खाऊंगी, मैंने चिप्स दिलाए हैं तेरे को। मोनिका नहीं, ये रात को मूवी देखने के लिए है। चुप रहे मोनिका, शट अप, यू शट अप, ज्यादा मत बन, मुझे तुझसे ज्यादा इंग्लिश आती है। कुत्ती औरत, बहुत बदतमीज है, छोकड़ी। थैंक यू सो मच अनिश फॉर द ब्रश, हाय। इसको यार दाल चावल दे दियो। सो गाइस, काफी रात हो चुकी है और मोनिका का घर जाने का मन नहीं कर रहा है। ये मुझे छोड़ने आई थी, अब ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है। मोनिका बताइए, आप घर क्यों नहीं जा रही हैं? मैं जा सकती हूँ, ठीक है ना? क्या? मैं अभी भी घर जा सकती हूँ। ये बोलता रही है जा सकती पर जाएगी नहीं, मुझे पता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर संजोली जी अपनी मम्मा से बात कर रही है, यहाँ पर काश्वी क्या कर रही है, कैसे एंगल ले रही है, पागल नहीं सही एंगल था ये वाला, ठीक है। सब लोग बिजी हैं, हम लोग अभी गप्पे मार रहे थे और डेली व्लॉग्स की तो माँ बहने को गई है, मुझे बनाने नहीं आ रहे डेली व्लॉग्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। संजोली का प्रोजेक्ट, तो मेरे व्यूअर्स के लिए ये है संजोली, अरे कितनी सुंदर लग और ना बताइए क्या, मुझे ना मैंने बोल तो दिया कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊंगी, लेकिन डेली मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मतलब सब कुछ ऐसे बोरिंग बोरिंग हो रहा होता है, तो जिस दिन कुछ होगा अब से मैं उसी दिन बनाऊंगी। डेली व्लॉग्स बनाने में चाहिए खूब सारा कैश, ताकि तुम डेली कहीं ना कहीं जा सको। कोई बात नहीं, हम गरीबों वाले व्लॉग्स बनाएंगे, क्यों मोनिका? इंस्पायर्ड बाय मोनिका, वो जुड़े रहे मेरे ब्लॉग मेरे ब्लॉग के साथ ब्लॉग। यार मैंने डेली व्लॉग बनाना है समझे, कॉपरेट करो, अपना बना, तू घर से आई है ना, आज तू मेहमान है, कॉपरेट कर। पता मेहमानों के साथ सलूक कर रहा है, कभी नताशा मेहमान मत बनना, कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है मेरे साथ कि चलो नताशा डेली व्लॉग बना रही है थोड़ा पैसे कमाने। यार तो अपने बना, हम तुझे फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हमें मतलब प्लीज बेस्ट वाली कमेंट करेंगे क्या है ना सब लोग चेक करना ठीक है, मेरी वीडियो में 10 कमेंट काशवी चौहान नाम से आना चाहिए और 10 संजोली सिंह से, 10 मोनिका आप कितने कमेंट करेंगे? कोई एक भी कर देगा, कौन है? गाइस हम लोग कुछ नहीं खेल रहे हैं, सब खाना खाने के बाद लेट चुके हैं और आप सब देख सकते हो ये तीनों काफ़ी बिजी हैं। सो गाइस यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं एंड आई होप कि आपने आज का मेरा बोरिंग डे देखा होगा, आप लोगों को कैसा लगा? एंड देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, कमेंट करके बता देना कि कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा। ओके, सो बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।